कहाँ जा रही? अस्पताल जा रही हूँ। हॉस्पिटल? हाँ। किस लिए? मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड? हाँ जी। किस बात का? देखना है बेटी है या बेटा है। कमाल है, ऐसा क्यों सोचती हो? अरे ऑलरेडी दो तीन बेटियां हो चुकी है, देख लीजिए प्लीज। बेटी होगी तो निकाल देंगे और बेटा होगा तो रख लेंगे, प्लीज जाने दीजिए मुझे। देखिए तुम्हारा काम है घर को संभालना, बच्चों की परवरिश करना। जी जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी बेटों से घर बनता है, बेटों से वारिस बेटा ही होता है। बेटियां तो अपने घर चली जाएंगी, फिर उसके बाद? उसके बाद का हम बाद में सोचेंगे, हैं? अभी हम ऐसा नहीं सोचेंगे। अगर ऐसा आपकी माताजी ने सोचा होता वो भी अल्ट्रासाउंड। आप सही बोल रहे हैं लेकिन प्लीज मुझे जाने दीजिए। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जानते हो क्या कह रही हो? अरे जाने दीजिए ना, ऑलरेडी दो तीन बेटियां हैं, आप जानते हैं ना बेटा वारिस होता है घर का, आगे कैसे चलेगा हमारा वंश? कौन जाने, कल वो कल्पना चावला बन जाए, कोई जाने इस बात को? वो ठीक है फिर भी हाँ। बेटा तो चाहिए ना, एक बेटा तो चाहिए ना। फोन आ रहा है। कुछ बताओगी किसका फोन था? क्या बात है? मुझे पूरी बात। अरे ये खुशी की बात है, रोना तो नहीं लेकिन अपने आप पे रोना आ रहा है। मैं बहुत गलत सोच रही थी, मीनू को ना विदेश जाने का मौका मिला है, भारत हमारे भारत सरकार ने उस बाहर पढ़ने भेज रही है उसे। वाकई? हाँ। मैंने कहा था ना, हाँ आप सही थे, मैं ही गलत थी। वो हमारे घर खानदान का ही नहीं, गांव का ही नहीं, पूरा देश का नाम रोशन करेगी। भारत सरकार उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा उठा रही है। अरे पढ़ने बेटी किसकी है? ये मैं बहुत गलत थी, बहुत गलत सोच रही थी मैं, क्या करने जा रही थी मैं। हमारी बेटी बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, बेटी चाहे तो बेटे से भी बढ़कर है आजकल। शुक्र है तुम्हें इतनी समझ तो आई। जी जी बिल्कुल। सुबह का भोला शाम को घर लौटा। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ।